हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एमएम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं आईएमआरई का अगला चैप्टर, संचायक बैटरियों के दोषों को दूर करना। इससे पहले हम और भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बहुत से वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हमारे चैनल पर उनके काफ़ी क्लास के वीडियो मिलेंगे और धीरे धीरे हम उनके सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप उसे जरूर देखें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। इसके साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जो भी अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप उसका उपयोग कर सकें, देख सकें। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट SSC, रेलवे, JEE, UPSL JEE इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है वो भी जरूर देखें, उनके लिए भी हम काफ़ी क्लासें लेकर आते रहते हैं। क्लियर? तो हम उस पूरी तरीके से आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। क्लियर? तो आप जरूर देखें, आपको पसंद आएगा। हम काफ़ी अच्छी तरीके से कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहले देखते हैं बैटरी, संचायक बैटरी। संचायक बैटरी को द्वितीयक सेल या सीसा अम्ल सेल या क्षारी सेल भी कहते हैं। प्रथम क्रिया में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित कर ली जाती है तथा द्वितीय क्रिया में बाह्य परपथ में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इन सेलों को संचायक सेल भी कहते हैं। प्रथम क्रिया आवेशन क्रिया तथा द्वितीय क्रिया को विसर्जन क्रिया कहते हैं। वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने तथा धारा बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर में जोड़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, संचायक बैटरियों को कार्य सिद्धांत। संचायक बैटरी दृष्ट धारा सप्लाई का रासायनिक स्रोत है। संचायक बैटरी विद्युत अपघट्य से भरे एक पात्र में बनी होती है। क्लियर? जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटें डूबी रहती हैं। संचायक बैटरी का कार्य सिद्धांत प्रतिवर्ती विद्युत रासायनिक क्रिया पर आधारित है। बैटरी की आवेशन तथा विसर्जन प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया जा सकता है जब तक कि प्लेटें पूरी तरीके से खराब न हो जाए। इस प्रकार संचायक बैटरी को धारा का बहुक्रिया वाला रासायनिक स्रोत भी कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, विद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के आधार पर बैटरियों के दो प्रकार की होती है। पहला बैटरी, पहला है सीसा अम संचायक बैटरी, दूसरी होती है क्षारीय संचायक बैटरी। क्लियर? तो इन्हें देखते हैं आगे तरीके से देखते हैं। आगे देखते हैं, अगले देखते हैं सीसा अम्ल संचायक बैटरी में उत्पन्न दोष का अंकन। क्लियर? तो पहला दोष मान देखते हैं, सेल कम निर्गत क्षमता प्रदर्शित करता है। तो इसका ये कारण निम्न कारण हो सकते हैं, लंबी सेवा के कारण बैटरी की जो प्लेटें हैं वो खराब हो गई हैं तो प्लेटों को बदलें। क्लियर? और सक्रिय पदार्थ प्लेटों के से हट गया है, अगर ऐसा है तो सक्रिय पदार्थ हाइड्रोक्सी लेमन प्लेसरफेट को विद्युत अपघट्य में मिलाएं, प्लेटों का सल्फेटन बैटरी का आवेशित करें तथा सल्फेटन दूर करें, विद्युत अपघट्य का दूषित होना, विद्युत अपघट्य बदलें, सेलों का डिजिटल वाटर दोषों को करें, ठीक है, बैटरी कम आवेशित रहती है ये भी हो सकता है तो अधिक आवेशित करें। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, सेलों के पास पासर्व को बोलता नहीं है।
है, मतलब जो टर्मिनल है उनमें सेलों के पार्श्व में बोलता नहीं है, तो ये कारण हो सकते हैं, लघु पथन, उच्च धारा, क्षरण, छलफेटन, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इन निम्न को दूर करें। क्लियर, आगे देखते हैं। आवेशन के समय विद्युत अपघट का तापमान बढ़ जाता है, तो इसका ये कारण हो सकता है कि अत्यधिक आवेश धारा कम करें। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आवेशन के बाद विद्युत अपघट का विशिष्ट घनत्व कम है तथा गैसिंग नहीं है, तो सेलों में लघुपतन दूर करें। क्लियर, आगे देखते हैं।